भाजपा में वरुण गांधी का क्या है भविष्य, कांग्रेस में जाने की कितनी संभावनाएं, सपा बसपा की भी वरुण पर है नजर, क्या भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी राहें पार्टी से अलग कर रहे हैं, कांग्रेस में जाने की कितनी संभावनाएं हैं, इसके अलावा कुछ और सवाल है जिसके जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी सरकार के बड़े आलोचक हैं वरुण गांधी। बीते कुछ वक्त में वरुण गांधी काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी की नीतियों की बखिया उधेड़ रहे हैं। पीएम मोदी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमले करने से नहीं चूक रहे। अगर देखा जाए तो किसी भी अन्य भाजपाई नेता या सांसद ने उस अंदाज में पार्टी का विरोध नहीं किया जिस तरह से वरुण गांधी कर रहे हैं। किसान आंदोलन के वक्त वरुण जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ बरसे थे। उन्होंने सोशल मीडिया के साथ साथ अखबारों में भी सरकार के खिलाफ लेख लिखे थे। ऐसा कुछ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है और यही वजह है कि उन्हें पार्टी में भी साइडलाइन कर दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं उन बातों पर जो दिखाती है कि क्यों वरुण गांधी भाजपा से दूर हो सकते हैं। अगर भाजपा में वरुण गांधी के भविष्य की बात करें तो यह कहीं से भी उज्जवल दिखाई नहीं पड़ता। वरुण गांधी का भाजपा में अब क्या भविष्य है? पिछले साल भाजपा ने वरुण को नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इस बात की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद भाजपा उन्हें टिकट भी न दे। भाजपा संगठन की बात करें तो यहां पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का वर्चस्व है। ऐसे में भविष्य में उन्हें संगठन में भी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली। वरुण गांधी सुल्तानपुर से भाजपा सांसद हैं और उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद। 2014 में मोदी सरकार में मेनका गांधी को तो मंत्री बनाया गया था लेकिन वरुण को तवज्जो नहीं दी गई थी। 2019 के चुनाव के बाद मेनका गांधी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी सरकार में वरुण गांधी को तवज्जो न मिलने के पीछे एक खास वजह बताई जाती है। कहा जाता है नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ बगावत करने वाले को कभी माफ नहीं करते। वरुण गांधी ने भी 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत करते थे। आखिर वरुण गांधी ने ऐसा क्या कर दिया था जिस वजह से मोदी आज भी वरुण गांधी को देखना तक पसंद नहीं करते। मोदी की जगह आडवाणी को दिया था समर्थन जब नरेंद्र मोदी दिल्ली की सियासत में एंट्री की तैयारी में जुटे थे। इसी दौरान वरुण गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी के लिए यूपी में एक रैली आयोजित की थी। यह रैली आडवाणी की ताकत दिखाने के मकसद से आयोजित हुई थी। बताया जाता है इसके बाद से ही वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की गुडबुक से बाहर हो गए। इसी का नतीजा था कि जब मोदी की सरकार बनी तो मेनका को तो मंत्री पद मिला लेकिन वरुण उसमें एंट्री नहीं पा सके। अब सवाल उठता है वरुण गांधी की कांग्रेस में शामिल होने की कितनी संभावना है। इतना तो साफ हो चुका है कि बीजेपी में अब वरुण गांधी का भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह किसी और पार्टी में शामिल होंगे। कांग्रेस में शामिल होंगे वरुण? सपा बसपा आरएलडी उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी का स्वागत करने को तैयार है लेकिन कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के वरुण गांधी से अच्छे रिश्ते हैं। लगातार दोनों के बीच राजनीतिक बातचीत भी हो रही है। कांग्रेस को भी वरुण गांधी की जरूरत है। यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए वरुण गांधी को और प्रियंका को अगर यूपी सहित उत्तर भारत संभालने का मौका मिलता है और राहुल गांधी को दक्षिण, तो कांग्रेस काफी बढ़िया कर सकती है। वरुण गांधी को भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने के आसार हैं। वरुण गांधी ने कभी खुद ही कहा था भाजपा चाहती थी कि मैं अपनी चाची सोनिया और भाई राहुल गांधी पर खुलकर व्यक्तिगत हमला करूं, लेकिन ये हमारा पारिवारिक मामला था। यानी वरुण गांधी ने कभी भी अपने भाई बहन और चाची सोनिया के खिलाफ कुछ भी अपशब्द नहीं कहे, इसलिए कांग्रेस में शामिल होने का रास्ता आसान हो सकता है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।